पूरे देश में 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है। पूरा देश 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी में होने जा रही है बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमद् भगवत कथा, जो कि 15 अगस्त से 21 अगस्त तक है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में देशभक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में लोग दूर दूर से आते हैं और राममय होकर जाते हैं। कथा में हो रहे दिव्य दरबार और भभूति का अलग ही महत्व होता है, उसकी अलग ही महिमा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे संत हैं जो बिना कहे लोगों के मन की बात जान लेते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, यहाँ तक कि धर्म से जुड़े सबके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कथा का देश विदेश के भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार भारत के बहुचर्चित जाने माने कथावाचकों में से एक हैं, जिनकी कथा में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा दिल्ली के रोहिणी में होने जा रही है, जो कि 15 से 21 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत कथा हो रही है, जिसमें 2 दिन का दिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार 17 और 18 अगस्त को है। कृष्ण जन्मोत्सव 19 तारीख रात 11 बजे मनाया जाएगा। भभूति वितरण 20 अगस्त को होगा। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को कथा की शुरुआत से पहले 14 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा के बाद सारे भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा के प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। वैसे तो हर कथा में ही मां अन्नपूर्णा के प्रसाद की व्यवस्था होती है, किंतु यहाँ की झलकियां अद्भुत हैं। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।